तभी पापा और अंकल पीछे से आ गए और उसको पकड़ ली और धुलाई शुरू। भुंतर पहुंच गए बस स्टैंड के, वहाँ गिफ्ट लेके। सबसे बड़ा शौक मेरे लिए ओ कि ये क्या हो गया। एक्चुअली तो मेरी जिंदगी से ये आउट हो चुके थे। तो प्रकृति देखो मैं कूद जाऊंगा, मुझे हाँ कर दे यार जल्दी, मैं इस नदी में कूद रहा हूँ अभी। तो उसका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था, थोड़ी देर ये सन बैठी हुई थी तो सन नहीं बैठी थी, आई वाज लाइक कि कूद जावे मेरा क्या जा रहा है, पागल है इंसान। जी हाँ, आज की जो वीडियो होने वाली वो हमारी लव स्टोरी पे होने वाली है, जो कि काफी मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, जो कि मोस्ट अवेटेड वीडियो है। सबकी डिमांड पे हम ये एट लास्ट वीडियो बना रहे हैं कि हमारी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कैसे कैसे जर्नी रही हमारी लव स्टोरी। बहुत अप्स एंड डाउन आए, बहुत सारे अप्स थे, बहुत सारे डाउन्स तो बहुत ही ज्यादा थे, बट फिर भी हम डगमगाते हुए पहुंच ही गए बस। तो ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो चुके हैं हमारे रिलेशन को, शुरुआत हुई थी 2007 में। 2007 हो गई थी और मैंने एडमिशन ली थी नए स्कूल में। तो हमारा स्कूल था अरुणोदय, जो कि माहौल में है। तो मैं प्लस वन के बैच में थी और ये मेरे सीनियर थे प्लस टू में। तो टेंथ तक मेरा जो स्कूल था वो दूसरा था और उस इसका ब्रह्मऋषि था टेंथ तक, और मेरा भी स्कूल डिफरेंट था, मेरा स्नोर वैली स्कूल था। उसके बाद प्लस टू में प्लस वन के लिए मैं अरुणोदय चला गया। तो हमारे जो एरिया है कुल्लू में उसमें अरुणोदय की काफी अच्छी, उस टाइम पे अरुणोदय बहुत फेमस स्कूल था, बहुत अच्छा माना वहां से। वहां के जो प्रिंसिपल थे श्रीमान ताराचंद जी, और जिन्हें हम प्यार से कहते थे हमारे तारू सर। तो उस टाइम पे स्कूल बहुत फेमस था क्योंकि बहुत सारी मेरिट्स आती थी स्कूल से। तो मेरी स्टोरी तो ऐसी थी कि मैं स्कूल उस स्कूल में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, मतलब मेरे पापा ने मुझे ज़बरदस्ती उधर डाला था। तो मेरा वो एक्चुअली HP बोर्ड का था स्कूल, और मैंने सोचा था कि मैं CBSE से ही प्लस वन प्लस टू करूँगी क्योंकि टेंथ तक मेरा CBSE ही था। तो मेरी ज़िद थी कि मैंने CBSE स्कूल से ही करनी है, पर पापा की ज़िद थी कि नहीं अरुणोदय ही जाना है। तो मुझे ज़बरदस्ती फाइनली, मतलब जिस दिन एडमिशन होने थे उस दिन वहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया कि यहीं एडमिशन लेनी है, और हमने करवा दिया। अब तो स्कूल देख के तो मुझे बहुत ही ऐसे, मतलब मॉरल डाउन हो गया था। बट मेरे जो स्कूल था टेंथ का, तो वहाँ के मैक्सिमम बच्चे वहीं थे अरुणोदय में। तो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा धीरज हुआ मुझे कि चलो अब सारे वहाँ जा रहे हैं तो मैं भी चलो, इट्स ओके, इस टाइप की थी मैं। तो अपना क्या था, अपना टेंथ तक था स्कूल स्नोर वैली। उसके बाद हमने कहा था, एक्चुअली वो मेरे ही भाई का स्कूल है और मेरे पापा वहाँ के चेयरमैन हैं, तो काफ़ी ट्राई किया था कि प्लस वन प्लस टू वहाँ निकल जाए, बट उस टाइम नहीं हो पाया। तो बस फिर क्या, फिर मुझे भी ढूंढना था कोई स्कूल, तो आ गए मैं अरुणोदय, क्योंकि अरुणोदय सुना सुनाया अच्छा स्कूल बोलते थे सब। तो इसी चक्कर से हम सीधा अरुणोदय में एडमिशन ले ली और बस प्लस वन बीत गई। बहुत सारे टंटे तो हुए प्लस वन में भी, बट बस बीत गई। जब जैसे ही प्लस टू का दिन आए, अब मैं सबसे एनकाउंटर बोलता प्रकृति सिंह के साथ मेरा, कब पहली बार मैंने देखी, तो हमारी जो असेंबली थी, जैसे हम ग्राउंड में बैठे हैं वैसे ही बैठे होते थे। तो ग्राउंड में जो असेंबली लगती है मॉर्निंग असेंबली, तो हम लेट आते थे, ऑब्वियसली थोड़ा से शरारती बच्चे थे हम, तो लेट आते थे कई बार। तो उस दिन भी लेट आए थे और हमारे DPG थे जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, मतलब उनको बस बच्चों को दे ताड़ फाड़ लगाने की, पता है यार उस टाइम पे कैसे लगाते थे। तो आजकल तो बिल्कुल बैन है ये चीज़ें, बट उस टाइम तो भाई बच्चों को तो गधों की तरह मारते थे। तो उन्होंने लाइन पे खड़े किए हुए थे हम सब, तो जैसे ही मेरा नंबर आता तो मतलब सोच लो ना, उस टाइम पूरा मूवी वाला सीन हो गया। जैसे ही वो थप्पड़ मारना स्टार्ट कर रहे थे तो मेरी नज़र बस ऐसे यहाँ पे थप्पड़ पड़ रहा था, तो मेरी नज़र यूँ गई उधर, तो वो सामने प्रकृति थी, मॉर्निंग असेंबली की बात थी। तो मुझे नहीं पता वो देख रही थी नहीं देख रही थी, बट वो सामने दिखी मुझे। तो भाई बस मुझे पहला बोलते ना झटका उस टाइम लग गया, तो मैं तो भाई क्रेजी हो गया कि नहीं यार ये लड़की कौन है। वो मारे जा रहे हैं सर, जो हमारे थे वो लगा रहे थे, बट मैं अरे सर लगाते रहो आप, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिख गई है, मुझे देखने दो। तो सामने प्रकृति थी और दूर से जो इसका ये बर्थ मार्क है यहाँ पे, तो बस वो भी दिखा मुझे। बस वो ना दिल और दिमाग में छप गया बस कि भाई ये लगता है मुझे मेरे लिए बनी है। बट लगता सबको है, बट होता उसके बाद जो मेहनत स्टार्ट होती है वो अभी बताएंगे। मेरा एनकाउंटर कुछ ऐसा रहा कि मैं तो इन्हें नोटिस ही नहीं किया था काफ़ी टाइम तक। तो मैंने इनको काफ़ी टाइम तक तो नोटिस ही नहीं किया था क्योंकि
क्या हुआ था, मैंने अप्रोच ही नहीं किया तो नोटिस कहाँ से करेगी। अप्रोच किया ऐसे भी लड़कों को मैं कम ही देखती थी, मैं पहले से ही ऐसी थी कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता था कि लड़कों को देखना है कि लड़के मुझे नोटिस करे वगैरह वगैरह। बाकी ऐसा भी था कि मतलब मुझे भाव बहुत मिलते थे क्योंकि लड़के मुझे बहुत दिखते थे, नोटिस करते थे। चने के झाड़ पे चढ़ जाते थे obviously? नहीं, चने पे झाड़ पे नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सीरियसली यार, उस टाइम अगर मैं अपनी बात करूँ, प्रकृति की बात करूँ, तो मुझे लगता है उसी टाइम पे शायद 15 से 20 लड़के तो पढ़े ही थे प्रकृति के पीछे। हाँ, वो स्टार्टिंग में ऐसा था कि जो मेरा पुराना स्कूल था वहाँ पे तो वहाँ पे तो मैं एज अ डॉन रहती थी, मतलब मैं समझती थी कि हाँ टाउन बॉय टाइप ऑफ थी मैं। तो जैसे ही वहाँ से निकली सीधे अरुणोदय में, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी बच्चों की, मतलब सब एक ही सेम एज के बच्चे, और इतने ज्यादा बच्चे, और मतलब सब भाव एक गीदड़ों में शेर बनती थी। हाँ, नहीं कॉलेज में नहीं, गीदड़ नहीं अभी बोला तूने, नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा था कि वहाँ पे अपना राज लगता था। तो अब दूसरे नए स्कूल में बहुत ही मुझे मणिया सुर में बनती थी वहाँ की, वहाँ मैं ना थोड़ी दबी दबी सी रहती थी, वहाँ डोमिनेट करने वाले बहुत सारे थे, तो फिर एक्चुअली मैं नोटिस भी नहीं करती थी। तो मेरे साथ की मेरी फ्रेंड्स थी तो वो बोलती थी कि क्यूट है लड़का। एक्चुअली क्या है कि हमारे ब्रह्म ऋषि के सीनियर थे मुकेश भैया, तो वो इनके बेस्ट फ्रेंड थे, तो इन्हीं की गैंग में होते थे, इन्हीं के साथ होते थे हमेशा, तो उनसे हमारा थोड़ा बोलचाल होता था, तो उनके साथ में इनको भी देखते थे। पर मैंने तो कभी इतना खास नोटिस नहीं किया, पर मेरे साथ की फ्रेंड्स होते थे वो बोलते थे कि हाँ भैया के साथ में एक लड़का होता है बड़ा क्यूट है तो ऐसे ऐसे बोलते थे। तो खैर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा उनको पसंद है, उनको क्यूट लगता है, तो शायद उन्हीं वो ही खुद अप्रोच करेंगे, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था खैर इनमें। तो अगर मैं मुकेश की बात करूं, जब मैंने स्टार्टिंग में उसको कहा, तो हर दोस्त कमीना होता है, यू नो, पहले पहले मोरल जो है ना डाउन कर देता है। तो जब मैंने पहले बोला कि यार देख ये लड़की ना मुझे बहुत पसंद आई, तो फिर एक्चुअली मैंने कई बार सुना था ये, मतलब बात करते थे या भैया बोलती थी वो उसको, तो फिर मैंने बट उसका एक ही रिप्लाई आता था, बेटा तुझसे ना हो पाएगा, तू जानता है, मतलब दोस्त जैसे बात करते ना, वो तू जानता है इसके फादर कौन है, मतलब नहीं बोला बंदूक लेके दौड़ाएंगे तुझे। फिर मतलब सोचो यार, ऐसे भी कमीने दोस्त होते हैं जो पहले ही कहाँ डरा दिया उसने। नहीं एक्चुअली मैं थी ही ऐसी, क्योंकि मुझे पुराने स्कूल में भी काफी, नहीं वो तेरे बारे में नहीं बोलता, वो आपके फादर के बारे में, नहीं फादर के बारे में भी है, मेरे बारे भाई में बंदूक भी लेके, actually, बंदूक लेके दौड़ाएंगे तुझे, नहीं, 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 तो क्या कर रहा है एक्चुअली ऐसा, बट हमने अपना दिल थाम के बैठे और हमने बोला नहीं भाई हम भी ऐसी थोड़ी ना है, क्योंकि उनको भी मेरे नेचर के बारे में पता था, क्योंकि हमें पुराने स्कूल में भी काफी लड़के अप्रोच करते थे, तो मैं ज्यादा लिखे नहीं डालती थी किसी को भी, तो उनको मेरे नेचर पता था कि ये नहीं, इसी तरह ये चीज चलते आई। और यहाँ पे बता दूं, वैसे तो पढ़े बहुत थे, तो उसी टाइम अगर बता दूं प्रकृति को और पसंद करता था, मेरा काफी अच्छा दोस्त था, वैसे हम 5 बेस्ट फ्रेंड थे, बट प्लस 2 में एक और अच्छा दोस्त मिल गया था हमें, जिसके कारण हम 6 हो गए थे, तो बस उसको भी पसंद आ गई थी। तो फिर बट हमने पहले ही क्लियर कर दी थी बात कि हम बिल्कुल नहीं, मतलब जिसको पटी यार उसकी, जो बात करते हैं हम जिसकी पटी भाई उसकी है, तो उसके बाद कोई दोस्ती में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट बाद में फ्यूचर में कुछ और हुआ है वो भी बताएंगे। तो बस फिर क्या, फ्रेशर आई, फ्रेशर्स पार्टी, मतलब 6 महीने निकल गए ऐसे ही देखा देखी, फ्रेशर में क्या लग रही थी मैडम, मतलब अमेजिंग, इतनी खूबसूरत की क्या बताएं। तो इसका डांस भी है, अगर मेरे को मिलेगा अपने कंप्यूटर में तो मैं इसके बाद इस अभी जो बोल रहा हूँ उसके बाद एक डाल दूंगा जल्दी, छोटा सा जल्दी प्लीज यार, कि प्लस वन में कैसे दिखती थी प्रकृति। और प्रकृति बिल्कुल, मतलब मैं काफी बोलते ना ग्रोथ अगर लड़कों में काफी लेट होती है, ये बिल्कुल बच्चे से थे, छोटे से बच्चे। और मैं ऐसी ही थी, मतलब मैं ऐसी ही थी, ऐसी ही दिखती थी, ऑलमोस्ट जबराट थी, बिल्कुल जबराट, ये कौन बोलता है यार जबराट, मतलब मैं ऐसी ही थी, इसी तरह से ही दिखती थी, ऑलमोस्ट इसी तरह की दिखती थी। तो लड़कों, हम कॉलेज जो हम बॉयज होते हैं वो कॉलेज में ही बढ़ते हैं मैक्सिमम, हाँ तो पहले वो बच्चे ही दिखते हैं, तो लड़कियां वैसी होती है, कौन बच्चे, ये जैसे ये फोटो दिख रही है आपको, मैं देखो कितना बच्चा लग रहा हूँ, मम्मी है साथ में नहीं मम्मी नहीं लग रही पर बड़ी दीदी लग रही तो चलो ऐसे ही, मैं तो वैसी लग रही, आप लग रहे छोटे। प्रेशर आई तो फ्रेशर में मैं गया ऐसे लड़खड़ाता हुआ सा, जब सब कुछ बोलते ना सब डांस वगैरह हो गया, ये मिस फ्रेशर बनी थी, नहीं मैं नहीं बनी, मिस फ्रेशर नहीं, कुछ मिस पर्सनैलिटी कुछ बनी थी, मिस पर्सनैलिटी हाँ बनी थी, तो मुझे याद है वो।
और बस उसके बाद सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया, जैसे प्रोग्राम जो स्कूल कॉलेज स्कूल में था और हमारा नहीं, पर प्रोग्राम चल रहा था, मतलब वो थोड़ा अब डांस वगैरह शुरू हुआ था हमारा। तो मेरी एक फ्रेंड थी पल्लवी, तो पल्लवी ने फिर प्रकृति को बुलाया कि यार बात करनी है किसी ने, फ्रेशर की बात है, उसने बुलाया, प्रकृति भी आई, तो बस मैं गया यूँ थोड़ा घबराता हुआ। तो क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसे उस टाइम तक मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, बट जो प्रकृति में इंटरेस्ट आया वो उसके बाद मैं गया फर्स्ट टाइम, तो मुझे याद है ऐसे हाथ मिलाया, प्रकृति के हाथ मुझसे बड़े थे भाई उस टाइम भी। मेरे इतने थे नॉर्मल, आपके अभी भी आज भी छोटे नॉर्मल है भाई, मतलब ये राजाओं के हाथ होते हैं, हाथ छोटे। तो मैं लड़खड़ाता सा, प्रकृति दैट आई वांट टू डू फ्रेंडशिप विद यू, प्रकृति सब ठीक था ओके? नहीं मैं शॉक में थी, पहले तो शॉक में थी बट नहीं नहीं, पर प्रकृति ने मुझे ये कहा कि बस हाँ फ्रेंडशिप ओके, ओनली फ्रेंडशिप। हाँ मैं भी था चल ठीक है इट्स ओके। साइड अपने साइड की स्टोरी बताती हूँ इसी इवेंट की। तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो दीदी वगैरह ने मुझे बुलाया कि एक मिनट आना, तो मैं ऐसे ही कैजुअली ओके दीदी, वहाँ पे सब बैठे थे मुकेश भैया ये वगैरह सब, तो मेरे लिए मतलब नॉर्मल था, ऐसे ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थी मैं उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा एक मिनट आना, तो फिर तब भी ये खड़े हो गए, उन्होंने कहा हेलो आई वॉन्ट टू डू फ्रेंडशिप विद, और मैं कम्प्लीटली शॉक में थी, ये किया मुझे, अरे ये इनको तो मेरी फ्रेंड पसंद करती है। एक्चुअली में तो ये हुआ था कि मेरी फ्रेंड इनको पसंद करती थी और वो बोलती थी कि बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है, कि मतलब वो शायद इनको अप्रोच करने वाली थी, तो मैं ऐसी थी कि हाँ ओके क्यूट तो है करो अप्रोच, मतलब मैं उसके साइड से सोच रही थी कि ये मेरे जीजा जी होंगे। ऐसा नहीं सोचा था कि ये बंदा मुझे लाइक करता है। तो उस टाइम पे फिर उस टाइम पे जब भी कोई भी लड़का अप्रोच करता था तो यही आंसर होता था ओके फ्रेंडशिप, बस इतने तक ही, इससे आगे मत सोचना कुछ भी। तो उस टाइम पे भी मेरा जवाब यही था कि ओके बस फ्रेंडशिप, बस इससे आगे मत सोचना। तो बस फिर उसके बाद इसने हाँ कर दी, हाँ नहीं की फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंडशिप के लिए हाँ कर दी। और उसके बाद तो यहाँ पे बताता हूँ यार, जब से मेरी प्लस टू स्टार्ट हुई थी मैंने प्रकृति को देखा, तो जो ये इसका घर था मीन्स बुंतर के दूसरी साइड, और मेरा घर था बजौरा, तो बजौरा से मैं पहले उतरता था, और जो हमारा स्कूल था वो मोहल था, तो बुंतर से है मोहल लगभग 4 किलोमीटर लगभग, और बजौरा से वो 8 किलोमीटर। तो मैं क्या करता था, मैं तो डायरेक्ट बस में भी जा सकता था मोहल, बट मैं हर दिन बजौरा से बुंतर उतरता था सिर्फ प्रकृति को देखने के लिए। एक्चुअली हमारा भी मेरा ऐसा था कि मेरे घर थोड़ा सा रूरल एरिया में पड़ता है, तो यहाँ से बसेस वगैरह नहीं मिलती है, टाइम टाइम से आती है। तो अब मेरा ऐसा था कि 8:30 पे स्कूल लगता था और यहाँ से बस जाती थी 8:30 पे, तो मुझे घर से निकलना ही पड़ता था 8:30, क्योंकि अगर मैं नहीं निकलूँ तो बस छूट जाएगी और मुझे फिर पैदल जाना पड़ता था भुंतर तक। तो भुंतर था ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर है यहाँ से, तो सोचिए वो पैदल, कभी कभी मुझे पैदल मार्च भी करना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर तब मैं 8:30 में निकल जाती थी, और 8:30 मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, तो वहाँ पे पहुँच के बस स्टैंड में भुंतर में पहुँच के वहाँ पे वेट करती थी अपनी दूसरी फ्रेंड का, तो कम से कम 10 मिनट लग जाते थे, 10 या 15 मिनट उसको आने के लिए। जो मुझे प्यार करती है, लाइक करती है। वही फ्रेंड जो कि इनको पसंद करती थी उस टाइम पे, तो मैं उसका वेट करती थी। तो उतनी देर में ये वहाँ आके बैठते हुए थे, पहले मुझे लगता था कि ये यहीं भुंतर के ही हैं और वहाँ से आते हैं ये, और ये बजौरा के ही हैं। तो यहाँ पे मैं किस्सा बताता हूँ तुम्हें, तो मैं एक ऐसी रेगुलर डे चल रहा था, तो बस बैठे हम फर्स्ट टाइम क्या हो, मतलब उस दिन हम बैठ गए बस में, तो प्रकृति भी आई और मेरी दूसरी फ्रेंड नहीं थी, हाँ तो कोई और फ्रेंड थी ठीक है। तो गलती से क्या हुआ, समझते हो ना आप लड़के लोग कैसे जो सोचते हैं वो कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला, चल प्रकृति ना किराया दे देता, 5 रुपये किराया था भुंतर से अपना मोहल तक का स्कूल का ये बस का, तो वो मैंने दे दिया, प्रकृति का भी दिया और उसकी फ्रेंड का भी दे दिया। भाई जो मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई, उसके बाद उसने जे सुनाया क्या बताएं, एक्चुअली उसे पता नहीं था कि आप मुझे लाइक करते हो, मैंने तो देख लिया था कि इन्होंने मेरा किराया दिया, मतलब मन तो बहुत कुछ कर रहा था बोलने का किया, पर मैंने चलो तो मैं चुपचाप से बैठी थी कि ओ नो हद है यार, अब मतलब मेरी फ्रेंड बन चुकी थी प्रकृति, तो नहीं फ्रेंड कुछ, हमारी फ्रेंडशिप ऐसी हुई थी कि मैंने हाँ की थी, मैंने हाँ कर दी थी इनको, पर वो ना मेरे लिए वो इनको बायकॉट करना हुआ, मतलब मैंने इनसे जरा बात नहीं की थी, मैं भी नहीं करता था, मैं भी थोड़ा शाय किस्म का ही था। पूरी साल जितने प्लस टू में थे तो मैंने
बिल्कुल ज़रा भी, मतलब जब ये सामने से दिखते भी थे ना, मैं रास्ते चेंज कर लेती थी कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बस उस दिन दिया उसने काफ़ी कुछ कहा सुना, मैंने भी कान बंद किया और सुन के चला गया बस। और यहाँ पे एक और बात कि प्रकृति का एक और ऐसी बात थी कि तुम्हें पता है यार, कौन लड़का नहीं चाहेगा कि जो हमारी होने वाली गर्लफ्रेंड हो या फिर जिसे हम पसंद करते हो उसके डेस्क में हमने कुछ लिखा ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रकृति की जो क्लास थी, प्लस वन बी क्लास थी ना तुम्हारी? हाँ, बी थी। हाँ, तो बी थी इनकी, मेडिकल वालों की। तो हमारी वहाँ पे ना मैथ की क्लास लगती थी, हमारे जगदीश सर थे, जग्गू सर बोलते थे हम उन्हें, तो वो लगाते थे वहाँ पे क्लास। तो मैं बस प्रकृति के डेस्क के ऊपर बैठ जाता था और पेन से कई बार ट्राई करते थे, इवन हम लंच टिफिन खाया, टिफिन गायब करते थे हम, बहुत मज़ा आता था। टिफिन खाली होता था जब हम लंच करने बैठते थे, तो पूरा टिफिन खाली ही, क्या हुआ? और इन्होंने वो भी कर दिया, कंप्लेंट भी कर दी ऑब्वियसली यार, खुद को भूख लगी। इन लड़कों को तो ये सिस्टम होता था कि ये कभी लंच नहीं लेके आते, हम तो बेचारे घर से पैसे भी नहीं लेके आते थे कि कैंटीन से खाएंगे, ऐसा भी नहीं था। नहीं, मैं छोड़ देता था उसको, लंच टिफिन की ही आदत होती थी। बट उसके डेस्क के ऊपर मैं एनपी लिखता था काफी, पता नहीं, थैंक गॉड पेंसिल से ही लिखा होता था। तो रोज शाम को आके मैं रब करती थी कि ये क्या, मतलब बट उसे पता नहीं था कि कौन लिखता है ना। नहीं, वो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता था कि वो आपके काम होंगे, तो रोज शाम को आके मैं वो रब कर रही होती थी कि क्या बेवकूफ लड़के। अब एक और किस्सा बताएंगे हम आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसी जिस फ्रेशर पार्टी में हम फ्रेंडशिप हुई थी, उसी फ्रेशर पार्टी का थोड़ा उसके बाद का एक किस्सा था कि तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आशिक बन गए थे मेरे तो हमारे क्या होता था कि नोटिस बोर्ड में जो फ़ोटोज़ होती थी वो लगाई जाती थी कि ये फंक्शन की ये फ़ोटोज़ थी। तो उसमें से एक फ़ोटो थी मेरी और प्रिंसिपल सर की, मतलब मैं उनसे प्राइस ले रही हूँ, वो मिस पर्सनैलिटी का जो वो एक्चुअली फ्रेशर के दिन का नहीं था, वो कुछ दिन बाद का था जब वो आई थी। हाँ, ये जो वो फ्रेशर का नहीं था, ये जो हुआ था दस एक दिन बाद हुआ ये जो किस्सा हुआ था ये, हाँ 10-15 दिन बाद जब फोटोज आई थी नोटिस बोर्ड में लगाई थी, और नोटिस बोर्ड में लगाई थी, याद भी है कौन सी वाली फोटो मुझे भी याद है तो फोटोज लगाई थी, तो उसमें से एक फोटो जो मेरी थी कि प्रिंसिपल सर से मैं प्राइज लेती हुई। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं तो जल्दी आ जाती थी, मैं 9 बजे के करीब, 9 या 9:30 बजे के करीब पहुंच जाती थी स्कूल, क्योंकि जल्दी ही जाना पड़ता था यहाँ से। तो फिर हम बैठे थे, हम बाहर धूप में बैठ के गप्पे शप्पे मारते थे, या होमवर्क हो या पढ़ने के लिए कुछ वो कर लेते थे। तो धीरे 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 बच्चे आने शुरू हो जाते थे, तो जब मॉर्निंग असेंबली शुरू होने वाली थी उससे ज़रा सा थोड़ी देर पहले ही सुनने को मिला कि तेरी ना फोटो गायब हो गई है नोटिस बोर्ड से। मैं सच, मेरी भी फोटो गायब हो गई? फिर देखने गई, भाग भाग के देखने गए सारे कि कैसे क्या क्या, और वहाँ इतनी भीड़ लगी थी कि सब देख रहे थे कि कौन सी फ़ोटो गायब। और जब फोटो देखी कि क्या गायब हुआ है, ओह गॉड, मतलब सर चकरा गया जिस जो फोटो गायब करने वाला इंसान था उसने फ़ोटो पता कैसे गायब की थी। तो यहाँ जैसे ये सर हैं, प्रिंसिपल सर, और ये मैं हूँ, ये मैं गिफ्ट ले रही हूँ, तो सिर्फ मेरी आधी काट के निकाल ली है और सर वही छिपके हुए और जो कि हमारे प्रिंसिपल सर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, अरे मेरी फ़ोटो क्यों रखी वहाँ पे। नहीं, हर एक इंसान को अगर पूरी फोटो निकाल लेना तो कोई नोटिस भी नहीं करता कि चलो, पता नहीं, याद भी नहीं होता किसी को। एक्चुअली जो ये काम था वो हमारी गैंग का था तो हमारी गैंग में हम दो आशिक थे सीरियसली, प्रकृति के, मैं और मेरा फ्रेंड। तो शायद एक दो फोटो निकाली थी हमने, तो एक मैंने रखी थी, एक उसको दी थी, तो ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम तो। बट उसके बाद उठाया गया हमारे मुकेश, एक फ्रेंड था, वही मुकेश भैया जो हमारे सीनियर थे, तो वो बहुत शरारती थे, उसको पड़ी काफ़ी पड़ी। बट फिर हमने कहा कि सर वो तो यार इसका भाई है, फिर उस इसको भी बुलाया था हमने, बुलाया था हाँ, फिर मुकेश भैया, नहीं एक्चुअली क्या, किसी के थ्रू मैसेज भेजा था कि भैया ने आपको बुलाया, तो फिर उन्होंने क्या, इन्होंने ही बोला था मुझे कि ऐसे ऐसे मुकेश भैया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि तो तेरे, मैं तो भूल भी गई थी कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा। तो मुझे नहीं पता था कि इंटरनली स्कूल में ऐसे ऐसे कार्यवाही हो रही है इसके लिए कि बच्चों को पकड़ के मारा जा रहा है कि फोटो खींच रहे हैं। वो पतली सी छड़ी से मारते थे भाई। तो उस टाइम पर इन्होंने कहा कि मुकेश भैया को इस तरह से हो रहा है, तो तुम जाके प्रिंसिपल को बोलो कि, क्योंकि उसके इन्वेस्टिगेट होने की बारी आ गई थी। तो मैंने बोला चल यार, तो फिर मुझे लगा कि हम बात बहुत सीरियस हो गई होंगी, तो फिर मैं प्रिंसिपल सर के पास गई कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, हमारे रिलेटिव भी हैं, तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती थी स्कूल में। उसके बाद यूं ही चलता रहा। और प्रकृति के एक और आशिक था, बाइक वाला कोई आशिक
तो वो ऐसा हुआ कि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस फ्रेंड्स के थ्रू थ्रू पता चलता था कि ऐसे ऐसे भी हैं, ऐसा है, वो ऐसा बोलता है, वो बोलता है कि तुझे उठा के ले जाएंगे वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे को डायरेक्टली कभी कुछ नहीं कहा बंदे ने, इनडायरेक्टली बड़ा कुछ सुनने को आता था। तो एक दिन यही किस्सा बहुत बड़ा रूप ले गया था, बड़ा हाईलाइट हो गया था कि जो हमारी लव स्टोरी ना भाई, इसमें रोमांस भी है, थ्रिल भी है। तो किस्सा कुछ ऐसा था कि वही वो वाला जो बंदा था, तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि वो इस तरह से बोल रहा है कि वो अगले दिन तुझे प्रपोज करेगा और बोल रहा है कि अगर तूने हाँ नहीं की तो वो तुझे उठा के ले जाएगा। तो मैं तो ऐसी थी कि हाँ वो लड़के ऐसे ही करते हैं, ऐसे तो बोलते रहते हैं। मतलब मैं कभी सीरियस नहीं होती थी लड़कों के लिए कि वो ऐसा बोलेगा और मैं ऐसे, मतलब मैं ज़्यादा सोचती ही नहीं थी, कॉन्शियस ही नहीं रहती। किसी और ने सीरियस ले ली। हाँ, वो एक्चुअली फिर उसने फ्रेंड ने कहा कि नहीं तू अपने पापा को लेके साथ में आई ही आई, तू अकेले मत आई स्कूल। तो स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा कि यार क्या देखते हैं सोचते हैं, पर वो मतलब मुझे बार 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 फ़ोन करके बोलने लगी कि नहीं नहीं बहुत बड़ा इशू होने वाला है, तू अपने पापा के साथ में ही आई। तो फिर एट लास्ट मैंने पापा को हिम्मत करके बोल दिया। ऐसी चीज़ में पापा को कभी शेयर नहीं करते थे क्योंकि थोड़ा झिझक होती है पेरेंट्स से। तो उस टाइम पर मैंने पापा को बोल दिया और पापा मेरे थोड़े पोजेसिव से हैं मेरे लिए obviously तो, यार सबसे बड़ी लड़की है। तो कई कई बार तो पापा छोड़ के भी आते थे स्कूल में कि स्कूल। तो फिर पापा चले घर से, तो रास्ते में वो वही फ्रेंड को लेके भी चले क्योंकि उसका रास्ते में पड़ता था घर। तो उस फ्रेंड के साथ में उसके पापा भी आ गए एक्स्ट्रा एक साथ में, तो वो साथ में चल पड़े और वो उसके पापा भी साथ में चल पड़े स्कूल की तरफ हमारे। तो अब स्कूल में रास्ते में चल रहे थे हम, फिर स्कूल जहाँ से बाउंड्री शुरू होती है उससे कम 500 मीटर पहले ही हमको उतार दिया कि चलो तुम जाओ यहाँ से, फिर हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे आराम से, फिर देखते हैं कि कौन लड़का तुमको परेशान करता है, फिर उसको वहाँ जाके पकड़ेंगे हम। ठीक है, उस टाइम पे ठीक है हम चले और बदकिस्मती उस बंदे की भी कि फर्स्ट टाइम मेरी कि मैं उस दिन मतलब पता नहीं पहले चला गया था या बाद में कुछ। रुको रुको पहले बोलने दो ना, फिर आएगा आपका वाला किस्सा। तो फिर वो बदकिस्मती थी उस बंदे की कि उसी दिन वो मुझसे बात करने आया, मतलब उसने पहले से ही सोचा होगा वो मुझे प्रपोज करने वाला था उस दिन। तो ये मतलब सारे में खबर फैल गई थी कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है और सबने उसको मतलब कुछ और ही तरह से हाईलाइट कर दिया था। तो और वो मुझे अप्रोच करने के लिए आया उधर और वो चीज़ देख ली पापा ने पीछे से, पापा और वो अंकल जो थे उसके फ्रेंड के पापा। तो और जैसे ही वो मेरी तरफ आया मैं तो इशारे से उसको बोला जा 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 जा, इस तरह से बोला जा जा, कि अब मैं भी नहीं चाहती थी कि वहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो जाए, पर वो समझा नहीं कि क्या बोलने की कोशिश करी और तभी पापा और अंकल पीछे से आ गए और उसको पकड़ लिया और धुलाई शुरू और मैं मुंह छुपाती हुई स्कूल भागी। अब तो बड़ा इशू हो गया और वो ले अब तो। और जब उसको उसकी धुलाई हो रही थी फिर उसको प्रिंसिपल नहीं पास लेके गए थे। वो बात की बात है, नहीं बात की बात नहीं है, पिटाई हो रही थी, सब बचने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो उस आदमी ने कह दिया कि भाई अंकल जी मैं तो बिल्कुल नहीं होता हूँ, कोई और लड़का है, ऐसा है वैसा, उसने मेरा पूरा चिट्ठा खोल दिया। तो फिर उसके बाद उसको तो चलो प्रिंसिपल ऑफिस ले गए वो, बट उसके बाद प्रकृति के पापा और जो उसके अंकल थे वो मुझे ढूंढते हुए स्कूल आए, क्योंकि मेरे भी शायद ग्रह मुझे भी लगानी थी उन्होंने दो चार शॉट। सो बस, बट देखो ना यार किस्मत अच्छी होती है, भगवान भी आपका साथ देता है जब कोई अच्छा काम हो। तो मैं उस दिन स्कूल थोड़ा लेट गया था एक्चुअली हमारे वहीं पे ऊपर स्नूकर पूल था, तो बस उस दिन हम पूल खेलने बैठ गए, मैं मेरा फ्रेंड मुकेश वगैरह हम सभी थे। तो बस तो इसके पापा वगैरह ढूंढते आए, वहाँ मैं मिला नहीं, जब मिला नहीं तो क्या कुछ होगा नहीं। तो जाते जैसे ही मैं स्कूल गया तो मुझे बायो वाले सर मिले, अरे तुमने क्या किया क्या किया है? तो मैंने बोला सर क्या किया बताओ। तो एक्चुअली ऐसा ना प्रकृति के पापा और उसके अंकल आए थे, तुम्हें ढूंढ रहे थे यार तू क्या करेगा ये वो ऐसा, तो काफ़ी मुझे डरा रहे थे। तो मैंने बोला देखा जाएगा जो होगा, इतने तो कर ही सकते हैं यार, क्या कर सकते हैं, इतने एक मिलनी मीन्स घसत इतना खा ही सकते हैं है कि नहीं। तो
तो बस कुछ नहीं, ऐसा ही हुआ। बट मैंने सीरियसली आज तक अभी इसको फोर्स नहीं किया, मैं प्यार से जो बोलते हैं ना पोलाइटली बात की। हुआ यही था कि हमारी बात मैं भूल तो रही हूँ, हमारी बस उस फ्रेशर्स वाले दिन बात हुई थी, उसके बाद मैंने इनकी शक्ल मैं ज्यादा मैं बस शक्ल दिखती थी, हम देखने में खुश रहते थे बस। हाँ मुझे दिखती थी, हाँ बस ही बस इशारे इशारे में बात होती थी हमारी। हाँ बस ये भी मेरे फ्रेंड्स जब ये बस लेने के लिए बैठती थी मैं दूसरी साइड, तो मेरे दोस्त अरे अरे तुझे देख रही है बस ऐसी कुछ ऐसे ही खुश रहते थे, बस एक दूसरे को ऐसे दूर दूर से देख के खुश रहते थे। मैं वही बोल रही हूं ना, मैं रास्ता चेंज कर लेती थी क्योंकि मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्लस टू हमारी करीब आने लगी मेरी, तो चांसेस समझ रहे हो, तो मैंने इसको प्रपोज नहीं किया था, तो दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी कि यार अब कर ही लेता हूँ। तो फिर वो प्लस टू की ना आखिरी घड़ी आई जो कि थी हमारी फेयरवेल पार्टी। तो फेयरवेल के बाद मैंने सोचा था कि मैं वैलेंटाइन डे के दिन इसको प्रपोज करूँगा, तो एग्जाम से पहले तो बस वो, क्योंकि प्लस टू के बाद मैं चला जाता आगे फिर ये पीछे रह जाती, तो मुझे ये पता था अगर मैं प्लस टू के अब चला गया कहीं तो फिर तो उसके बाद ये मेरे से छूट ही जाएगी, फिर तो कुछ ना होने वाला। तो बस वही, जैसे ही वैलेंटाइन डे आया मैं इसको फूल लेके गांधीनगर से लिए थे, वही 250-350 रुपये के बढ़िया करके वैलेंटाइन डे के दिन रेड रोजेज लिए थे, बट वो सूख गए भाई, दम ही नहीं रहा कि कैसे करूँ प्रपोज कहीं। मतलब हम लड़कों वही रहता कि यार प्रपोज कर दिया, फ्रेंड बनी है वो छूट जाएगी, दिक्कत पता नहीं क्या क्या सोच होती है। तो बट ट्रूली दिल से तो प्यार बहुत हाई लेवल पर पहुँच गया था। बट यहाँ पे एक और बोलता हूँ, काफ़ी बीच में रेड क्रॉस में भी मिलती थी प्रकृति, हम कहीं जाते थे मतलब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी होती रहती थी, और इनमें मेरी ना फ्रेंड्स बड़ा काम करती यार, वो इसकी फोटोज लेके आती थी मेरे लिए, तो नितिका, अंजलि, सुप्रिया, कृतिका बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने, रेड क्रॉस में फोटो लेके आती थी, अपने साथ खिंचवाती थी और फिर मुझे देती थी, फिर मुझे क्रॉप करनी पड़ती थी जुगाड़ बड़ा करना पड़ता था। तो फ़ोन था मेरे पास उस टाइम 6630, बड़े भाई का, बड़े भाई होते हैं तो फिर छोटे भाई को तो फ़ायदा हो ही जाता है। तो बस फिर इसी तरह वैलेंटाइन हो गया, बट इसको प्रपोज नहीं कर पाया। फिर वैलेंटाइन डे के 4 दिन बाद 18 तारीख को हम बैठे थे मोमोज खाने, मेरे सारे फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने फिर थोड़ा पंप दिया मुझे, यार जल्दी कर वरना कुछ नहीं होगा, चले जाएगी लड़की, फिर यूं तू हो गया। तो फिर मैं उसके बाद हीरो बन के गए हम 2-3 लड़के बैठ के। नहीं एक्चुअली 18 से भी पहले की बात है, 18 को बात नहीं नहीं उससे मतलब दो दिन पहले, तो ये मतलब 16, 17, 18 मतलब 3-4 दिन लगातार ये मेरे मतलब मैं भुद्दर से पैदल आती थी घर को, तो ये रोज़ वहाँ से मतलब जहाँ से मैं शुरू करती थी रास्ता वहाँ से आते थे बाइक में मेरे हाफ रोड तक। तो भाई आना नहीं, तुम्हें पता दिल में क्या हो रहा था उस टाइम, जो हम रेत वाला वो नहीं करते, क्या बोलते उसको, जो भी वो टाइम कैप्सूल होता रेत वाला, वो तो वैसे ऐसा लग रहा था यार अब ना रेत पानी जो समय है टाइम वो छूट रहा है मुझसे, गई तो गई, फिर क्या, फिर वही 16-17 को मैं फिर जोर लगा कि 18 को मैंने डिसाइड कर दिया कि हाँ रोज आके यही बोलते हैं हाँ कर। फिर फाइनली 18th को क्या हुआ, मैं बाइक लेके उठा के आ गया, एक ब्रिज था वहाँ पे नीचे, ब्यास रिवर बह रही थी पूरी फुल फ्लैज में, तो मैंने बोला तने हाँ करने की, मैं चला कूदने भाई, तो मैं सीरियसली अंदर से तो मैं मजाक कर रहा था, पागल है लड़की के लिए कोई कूदेगा। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार क्या पागल इंसान है, करी अब क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चल यार अभी और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा था, मतलब मैं ऐसे थी कि वो जो तीन दिन थे, तो उस टाइम पे इन्होंने कहा था मुझे कि सोचने के लिए तेरे को मैं टाइम देता, तो रोज़ अब क्या सोचना, मैंने क्या सोचना था उस टाइम पे, मतलब पसंद तो था इस लड़की को, नहीं ऐसा नहीं था, पसंद नहीं था, मैं ऐसे सोचती थी कि पसंद की बात नहीं है, पसंद था कि नहीं था कि हाँ ठीक है ओके देखने में अच्छा, पर मैं उस टाइप की लड़की थी जो कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते थे, मतलब कि अब पेरेंट्स मतलब देखने अब भी। मैंने एक्चुअली क्या था, बचपन से यही डिसाइड किया था कि मेरा जो भी बॉयफ्रेंड बनेगा अगर बाई चांस बना तो मैं उसी से ही शादी करूँगी फ्यूचर में, मतलब ऐसा नहीं मैं टाइम पास नहीं कभी करूँगी, तो उस टाइम पर मैं यही सोच रही थी कि मुझे ये सोचना है कि ये फ्यूचर में आगे है भी लायक कि है कि नहीं है, मतलब फैमिली सब कुछ बैकग्राउंड सब कुछ सोचना पड़ता है ना लड़कियों को, मैट्रिमोनियल साइड रखी थी भाई इसने खोल नहीं, के नहीं, पूरा। Obviously यार मैं उस टाइप की लड़की थी जो हमारे रिलेशन में
मेरी हेल्प बोल सकता हूँ, इसकी फ्रेंड थी इशिका। हाँ, वो वही की जो मेरी जूनियर थी। हाँ, वो मेरी पड़ोसन थी, इन्हीं की पड़ोसन। तो उसे पता था मेरा कि मैं टेंथ तक कैसा था, तो उसने मुझे थोड़ा सा बताया। मैं ऐसी हिम्मत करके पूछ लिया, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ना मुझे बहुत छेड़ती थी इनके नाम से। उनको पता था कि इन्होंने मुझे प्रपोज किया, तो वो बहुत छेड़ती थी। जब भी इन्होंने दिखना तो उन्होंने बस गाना गाना शुरू कर देना। तो वही उन्होंने बताया मुझे कि ये ठीक है, फैमिली भी अच्छी है, अच्छी खासी फैमिली है, और लड़का भी ठीक है, पढ़ने के लिए भी अच्छा था, पहले अच्छा था, बाद में नहीं रहा। तो अच्छा कहाँ से अच्छा है। तो फिर मेरा दिल भी थोड़ा सा हो गया कि चल ठीक है, ओके। तो फिर फाइनली 18th को जब इन्होंने प्रपोज़ किया, तो फिर मैंने लड़की ने हाँ कर दी। फिर मैंने सोचा चल यार ट्राई कर लेते हैं एक बार। अब मुझे भी क्या पता था, एक्सपीरियंस तो कुछ था नहीं, तो यही था कि चलो अब देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा फ्यूचर में। तो बस ठीक है, पर जब जिस टाइम पे मैंने इनको हाँ की, फिर मैं वापस घर की तरफ जा रही थी और पूरे रास्ते यही सोचती है कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया, पता नहीं मैंने ठीक किया है कि नहीं किया। हाँ, तो बस इस तरह हमारा प्लस टू मेरा भी एंड हो गया, एंड हो गया, हम खुशी खुशी चले गए। उसके बाद कुछ और शुरू हुआ, उसके बाद कुछ और ही स्टार्ट हो गया भाई। उसके बाद फिर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने मतलब कुछ, मतलब हम दोनों का ऐसा था कि दूर दूर से ही मिलते थे, जानती तो फिर हमारा डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया ना, मैं कहाँ पे, तो ऐसा था कि मैं जलंधर चला गया LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने, और ये मैडम यही थी, प्लस टू में थी। फिर प्लस टू में हम, यहाँ पे एक बात बता दूँ, हमारा जो उस टाइम स्टार्टिंग में था ना कॉलेज में, अंदर लैपटॉप थे नहीं हमारे पास, तो जो साइबर थे, साइबर कैफ़े जो होते हैं, जो जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो वो बाहर था। बाहर मींस कम से कम 2-3 किलोमीटर, बहुत बड़ी थी हमारी यूनिवर्सिटी अंदर से, तो वो 2-3 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता था, वहाँ जाके एक्सेस होता था। तो प्रकृति और मैं कनेक्टेड थे उस टाइम ऑर्कुट से। तो अगर किसी को नहीं पता तो 90s के बच्चे याद रखना, ऑर्कुट पे बहुत लव स्टोरियाँ चली होंगी। तो एक इसका नाम हकुना मटाटा हुआ करता था उसमें, तो इसकी जो DP थी वो उसकी थी हिलरी डफ की। तो मुझे एक एक पल याद है यार। तो इसका एक हेलो मैसेज भी आता था, तो मैं 2.5 किलोमीटर उधर चल के अगले दिन चेक करता था कि क्या आया है प्रकृति का। तो मैं भी उसको हेलो हाय बोलते, नया नया प्यार, इसके पास फ़ोन नहीं था, तो बस उन चैट्स में भी यार इतना मज़ा आता था ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़, मैं आजकल की एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, जो अब हमें टेक्नोलॉजी बहुत ईजिली मिली है, इससे प्यार भी थोड़ा ना चुटकी में मतलब सस्टेन ही रह रहा है। उस टाइम जो हम छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मिलती थी, एक छोटे से मैसेज इतनी खुशी मिलती थी, क्या बताएं। तो बस प्रकृति से बहुत दूर थी, तो हमारे तो घर में कंप्यूटर था ना, तो और एक्चुअली मुझे शाम को ये गोली देने के चक्कर में थी। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं उस टाइम पे फिर यही सोचती थी कि यार मैंने डिसाइड, मतलब वो साल भी मेरा कुछ ही ऐसे ही डामाडोल ही रहा कि पता नहीं मैंने ठीक किया कि नहीं। बट एक बात बोलूं, जब कॉलेज में स्टार्टिंग में मुझे सच में इसमें ही प्यार था, क्योंकि कॉलेज में भाई लड़कियां तो एक से एक थी, हमारी क्लासेस हमारे क्लास में भी थी, बहुत ज़्यादा थी। बट मेरा पता नहीं सीरियसली मुझे उससे ना ट्रू लव हो चुका था, प्लस टू तक हो चुका था। फिर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, मैं बस प्रकृति के मैसेज देखता था कब आएंगे कब आएंगे। अब मेरा ऐसा था कि मैं प्लस टू में आके थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ गया था मुझ में, तो मैं वही पुरानी ब्रह्मर्षि वाली बैक आ गई थी, और मतलब डोमिनेट करने वाली लड़की बन गई थी। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि अब ये चले गए हैं तो जाने दो, अब ठीक है नहीं, अब नई ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी, अब मैं मतलब ज़्यादा इस रिलेशन पे दिमाग नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं इनके बारे में नहीं जानती थी। तो वो कनेक्शन होता है ना, वो उस टाइम पे बना नहीं था, हम ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं किया, स्पेंड के बात ही नहीं की थी हमने एक दूसरे के साथ, मतलब उस टाइम फोन भी नहीं होते थे यार। 90s के बच्चों के, तुम अब अगर जो अभी नए बच्चे देख रहे होंगे तो मैं यही बोलूँगा, हमारे टाइम फ़ोन नहीं हुआ करते थे, होते थे तो पापा के पास होते बड़े वाले, ठीक है, या फिर भाई के पास थे मेरे बड़ा, तो इनके पास नहीं थे मेरे घर में, तो फिर भी भाई का होता था, हमारे से पापा का होता था। तो ऑब्वियसली फ़ोन हम वो लैंडलाइन यूज़ करते थे, बट इंटरनेट था, कंप्यूटर था, उसमें इंटरनेट कनेक्शन था। तो रोज़ स्कूल से आने के बाद 1-1.5 घंटा हम उसमें मतलब चैटिंग वैटिंग, बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे उनके साथ गप्पे शप्पे मारते थे। फिर आया हमारी लव स्टोरी का कुछ एक टर्निंग पॉइंट, जैसे मतलब मुझे फर्स्ट ईयर हो चुका था लवली में, तो लगभग और मुझे प्लस टू सितंबर 10 की बात है, सितंबर से। तो उस टाइम तक मैंने इनको बिल्कुल ही बायकॉट कर चुकी प्लस टू में थी, मतलब बायकॉट तो नहीं, बात करते थोड़ी बहुत, नहीं कहां की हकुना मटाटा, अच्छा हाँ ऑनलाइन चैटिंग, वो उसको मैं कंसीडर नहीं करती थी एक्चुअली। तो मेरी जिंदगी से ये आउट हो चुके थे, तो मैं मतलब कंसीडर ही नहीं करती थी कि ये कभी मैं इनके साथ कभी आगे फ्यूचर भी होगा। तो बर्थडे में ये पहुंच गए वहाँ, भुंतर पहुंच गए बस स्टैंड के वहाँ गिफ्ट लेके। सबसे बड़ा शौक मेरे लिए ओ कि ये क्या हो गया।
और मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, क्योंकि मैंने उस टाइम पे फ्रेंड्स को भी बोल दिया था कि मैं कुछ नहीं होने वाला हमारा, तो फिर मैंने उनको कहा उस टाइम पे कि इनको बोलना कि मैं चली गई हूँ घर, ठीक है। तो मैं छुप छुप के निकल ली पतली गली से, तो इनकी जो वो वहीं की है पजौरा की मेरी फ्रेंड इशिका और शिवानी थी, तो उन्होंने इनको कहा कि वो तो चली गई है, वो तो है नहीं। तो इन्होंने वो गिफ्ट जो है उनको पकड़ाया, ठीक है। तो फिर उसके शिवानी के पास में था गिफ्ट जो इन्होंने दिया था, और अगले दिन सुबह आके वो मुझे दिखाती, तुझे पता है कि गिफ्ट क्या था। देखो ऐसे भी दोस्त ऐसी होती है, गर्लफ्रेंड जिसे प्यार से दिया उसके पास नहीं, उसकी फ्रेंड के पास घूम रहा है। तो मैं तो घर आ गई ना छुप छुप के, तो वो उसके पास था, तो उसने चेक कर लिया घर जाके क्या गिफ्ट दिया। उसने बोला कि तुझे पता भी है उसने गिफ्ट क्या दिया। मैंने कहा क्या दिया, तो उसमें गिफ्ट में थी रिंग, सोने की गोल्ड की रिंग। तो मैं शॉक पूरी तरह से, पूरे ये साल तक कपड़े नहीं लिए भाई उस चक्कर से। ये इंसान इतना सीरियस है कि मुझे रिंग तक दे दी, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, हम तो जानते भी नहीं एक दूसरे को। तो उस टाइम पे मुझे मतलब एक टाइप से वही हो गया कि यार ये तो ये सीरियस हो गया, अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। ओ नो मैं तो ऐसी थी, ओ नो मुझे सीरियस होना पड़ेगा। देखा रिंग सोने की थी तो ले ली इस लड़की ने, पीतल की देता तो बोलते नहीं 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 मैं सीरियस नहीं होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा था कि मैं वो सोच रही थी कि मेरी इतनी इंपॉर्टेंस हो गई कि इनकी लाइफ में कि इन्होंने मुझे सोने की रिंग दे दी। तो फिर तब मुझे थोड़ा सा हुआ कि नहीं मुझे भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इनको कि ये सीरियस है मेरे लिए। सीरियसली मैं बहुत सीरियस था। हाँ ये सीरियस थे। फिर उस दिन से मैंने डिसाइड किया चलो ओके। तो फिर उस टाइम पे मैंने उसके बाद से मतलब मैंने रिंग ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि अब किसी का दिल तोड़ना मुझे आता नहीं था। वो फर्स्ट था मेरे लिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि इतना आगे तक पहुँच गया। तो मतलब वहाँ से हमारी रजिस्ट्री होगी प्यार की, इसने भी एक्सेप्ट कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। इसके बाद असली प्रॉब्लम्स हमारी स्टार्ट भी हुई हैं। हाँ ये तो ये टाइम था, ये टाइम काफी अच्छा था, इस तरह की ग्रोथ हुई। उसके बाद हमारी लव स्टोरी की इस तरह से ग्रोथ हुई कि हाँ मैं कॉलेज में चली गई और जब प्लस टू में प्रगति मुझे हाँ की, तो मैंने एक दोस्त कहा था ना जिसने इसको प्रपोज किया था, उससे मेरी दोस्ती टूट गई। जैसे उसे लगा पता मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, तो उसने बात करना छोड़ दी काफ़ी कुछ। बट अब बात करता है, अब कोई दिक्कत, उसने कहा भी था कि भाई गलती होगी उस टाइम ऐसा वैसा। चलो बचपन से हो जाता है, कभी दोस्तियाँ में टूट जाती हैं प्यार के चक्कर से। वो बचपन था, हाँ, उस टाइम भी हमारा दिमाग तो अब तो हंसता वो यार कैसे अब थे तो हम सब हंसते हैं कि ये क्या क्या हुआ था बचपन में। तो बस फिर कॉलेज चले गए, मैं लवली था LPU में था जलंधर में, ये नौणी आ गई और नौणी यूनिवर्सिटी सोलन में आ गए। फिर हम तो नौणी से पहले जो फर्स्ट मुलाकात थी हमारी वो थी ये होती थी कोचिंग ले रही क्रैश कोर्स करने के लिए गई थी चंडीगढ़। हाँ। में तो वहाँ पे क्या हुआ कि इस लड़की ने मुझे बुला दिया, मैं सुबह 5 बजे बैठ के चंडीगढ़ रोज गार्डन में पहुँच गया था। आई थिंक रोज गार्डन, हाँ रोज गार्डन में पहुँच, हाँ रोज गार्डन रॉकनी रोज, तो रोज गार्डन में था। और रोज गार्डन मीटिंग पॉइंट पर 5 बजे से मैं इंतजार करता रहा, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 1 ये क्यों बोल रहे हो, 2 बजे टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2 बजे पहुंची है लड़की रोज गार्डन में जाके। एक्चुअली क्या हुआ था कि उस टाइम पे भी मैं मतलब सीरियस नहीं थी, उतनी सीरियस नहीं थी, तो ये चाहती थी कि मैं अपना दिल चीर के बताऊं कि तू ही मेरे दिल में बसी है। अरे यार मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, जैसे 10-12 थी मेरी ऑलरेडी। नहीं एक्चुअली मेरी फ्रेंड ही थी वो जो वो मुझे फोर्स करते थे कि बात कर, अब रिलेशन रखा है तो बात करना चाहिए। तो फिर तो फाइनली मैं उनकी बदौलत ही हमारी मीटिंग भी फिक्स हुई थी कि चलो मिलते हैं चंडीगढ़ में। फिर हम चंडीगढ़ में मिले थे, तो मैंने बात ये की थी कि मैं पहले क्लास लगाऊंगी जो मेरी कोचिंग क्लास होगी, तो क्लास ख़त्म होने के बाद फिर हम मिलेंगे। तो इनको पता नहीं क्या लगा, क्या सोच के आए थे, और हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हम सुबह मिलेंगे कि कब। मैंने बस इतना बोला था कि मैं क्लास ख़त्म होने के बाद मिलूंगी, तो ये वेट करते थे। और जो भी 2 बजा दी इस लड़की ने भाई, 5 बजे से 2 बजे तक, समझ रहे हो, 5 कम से कम भी एक तो बस का सफ़र करके आया था, उसके बाद इसने इतना वेट करवाया। चलो क्या करना, स्टार्टिंग में प्यार ऐसे ही होता है। तो बस वैसी वो मीटिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल पड़ा। उसके बाद हम ये नौणी चले गई, मैं जलंधर में था। तो बात ऐसी हुई कि फिर तो उस टाइम 90s के बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज तुम लोग समझ नहीं सकते जो नए हैं, कि हमें ना कॉलिंग के लिए बहुत पैसा खर्चना पड़ता था भाई। हाँ। 1.5-2 रुपए कॉलिंग होती थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी ये कॉलिंग वाली। तो आजकल कई लोग बोलते ना, सीरियसली कई लोग बोलते ना मुकेश अंबानी ने बहुत बढ़ा दिया, 500-600 कर दिया। अबे ये तो कुछ नहीं था, मतलब चवन्नी थी उस टाइम के लिए।
पता नहीं कितने हजारों खर्चते थे सिर्फ कॉलिंग के लिए, वो भी रात को 11 बजे से सुबह 8 बजे तक बात करने के लिए। उस टाइम पे पैक डलता था, बहुत पैक, बहुत महंगाई थी। जब से जियो आया तब से नाइट पैक मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया। बहुत करते थे यार, तो सभी थे। तो बस फिर धीरे धीरे चीजें थोड़ी सेटल होती रही, बट ये था कि फिर प्रॉब्लम भी बढ़ती गई डिस्टेंस रिलेशनशिप में। मैं थोड़ा पोजेसिव था सीरियसली, मैं हम दो ना बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे से। मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव था, हूँ और हमेशा रहूंगा अपनी बीवी के लिए। नहीं अब नहीं है बिल्कुल भी, अब उसका अपोजिट हो गया है कि अब जरा भी इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम दो ना टोटल अपोजिट है भाई, मतलब बिल्कुल अपोजिट है। तो उस टाइम पे बहुत पोजेसिव होते थे कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी है। तो उस टाइम पे हमने बात करना शुरू की थी फ़ोन में, तो ये ऐसे थे कि ये हर आधे घंटे हर एक घंटे में फ़ोन कर देते थे। तो जैसे ही क्लास ख़त्म होती नहीं थी कि इनका फ़ोन आ जाता था, और लंच ब्रेक मतलब सुबह से लेके शाम तक। भाई जो नया नया प्यार है ना, कसम से इतना इतना मस्त मतलब होता मुझे कि क्या बहुत इरिटेटिंग लगता था स्टार्टिंग में। कई बार एम्बेरेसिंग भी लगता था क्योंकि लोगों के बीच में बैठ के भी मुझे फ़ोन में बात करनी पड़ती थी, क्योंकि ये इंसान बंद ही नहीं करता था फ़ोन। तो गुस्सा मुझे बड़ा तकड़ाता था, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इनका गुस्सा तो मतलब कोई है ही नहीं, जिसकी लिमिट ही नहीं है। बट प्यार भी बहुत करता था यार उस टाइम पे। मैं फिर हम पता क्या करते थे, कई बार महीने में मैं एक बार मिलने जाता था नौणी, कई बार तो मैं सोचो जलंधर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर नौणी जाता था। और हमेशा नौणी के बीच जब मैं चंडीगढ़ पहुँचता था, तो मेरे एक बड़ा भाई है मिस्टर उत्तम ठाकुर, वो भी अपनी उस टाइम की गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे गुड़गांव, और वो मिलते थे चंडीगढ़ में। तो हम दोनों भाई दौड़े होते थे लड़कियों के पीछे उस टाइम। तो बस इस तरह चलता रहा काफ़ी टाइम। और इस टाइम पे हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफ़ी पोजेसिव थे, तो मेरे लिए इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो और ये पता कैसी थी, ये मेरे बातों का कई बार जवाब ही नहीं थी, चुप बैठती थी। मतलब ये दो दो घंटे में बकी रहा हूँ और ये बहुत, ये इंसान एक्चुअली ऐसे ही है, यही नेचर है कि इनका ये बोलते ही रहते बोलते हैं। मेरे पास कुछ जवाब नहीं, कई बार तो मैं फोन साइड में रख देती थी और अपना काम करती रहती थी, क्योंकि मुझे पता था ये इंसान तो चुप होगा नहीं, तो अब अपना काम भी तो करना होता है। तो यूं ही चलता रहा हमारा ब्यूटीफुल सा प्यार। तो बस हाँ, प्रॉब्लम सीरियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। और मैं रहा फिर अपने कॉलेज में, इसके जहाँ कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो वहाँ भी रहता था। और एक ट्रिप फिर हमने उत्तराखंड का, मतलब हाँ काफ़ी एक ट्रिप था उत्तराखंड का लगाए थे हमने। तो फिर मैं भी इनके साथ ही गया कॉलेज के ट्रिप में, इनको भी इंक्लूड किया था। हाँ, तो जो इसके सीनियर्स थे वो मेरे फ्रेंड थे, तो बस उनके साथ था मैं। तो बड़ा मज़ा किया हमने उत्तराखंड के ट्रिप। ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, ये हमारे उत्तराखंड के ट्रिप की हैं। तो आई नो, और ये अब तुम देख रहे होंगे कि मेरी सेहत अब काफ़ी बन चुकी है, बट जो फर्स्ट ईयर था उस टाइम मुझे प्रॉब्लम हो चुकी थी। मेरे को IBS, पता नहीं IBS ही था क्या था, पेट की प्रॉब्लम बहुत हो गई थी, क्योंकि जो कॉलेज में था हमारे वहाँ जलंधर में हिमाचल में जितना प्योर वाटर मिलता है उतना था नहीं, तो इतनी प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में भाई। मैं कैन यू इमेजिन, मैं ना प्लस टू में लगभग 53-54 kg था, कॉलेज जाके मैं सीधा 35 kg रह गया। हाँ। तो बस उसके बाद मैंने बोला प्रकृति भी मुझे चिढ़ाती थी, यार आप मेरे साथ ना बहुत ही छोटे लगते हो, पतले से। नहीं मैं बोलती थी कि सेहत बनाओ थोड़ी, बस उसके बाद मैंने जिम शुरू किया, थोड़ा जिम स्टार्ट किया। बस फिर थोड़े जैसे ही इनका कॉलेज छूटा, उसके बाद से हमारी थोड़ी अच्छी वाली लव स्टोरी शुरू हुई। मतलब उस टाइम उसके बाद से हम सीरियस हो गए दोनों ही, और मतलब सीरियस मतलब कॉलेज में जब मैं था तो मैंने बाइक ले ली थी, तो मैं बाइक से सोचो कहाँ कहाँ से आता था इसके लिए, गढ़शंकर होके पूरा नौणी बैठेंगे, फिर थोड़ा एक दो बार हम बाइक में भी घूमे, और इवन गाड़ी लेके जब मैं घर आता था, घर में होता था जब यहाँ पे कुल्लू में, तो यहाँ से सेंट्रो लेके जाता था वहाँ पे सोलन। तो एक तुम्हें बता देता हूँ, तो मैं उस टाइम सीरियसली यार जवानी में पता नहीं हम बहुत ही जोश में होते हैं, मैं अपने घर से शिमला, जो कुल्लू से शिमला में लगभग 3 घंटे में गाड़ी पहुँचा देता था। आई डोंट नो कैसे पहुँचाता था, कैसे पहुंचाता था मुझे नहीं पता, बट पहुंचा देता था भाई। मतलब वो नौणी से अभी शिमला पहुंचती थी, मैं यहाँ कुल्लू से शिमला पहुंच जाता था। नहीं उस टाइम पे शायद आप 3 बजे चले थे घर से। हाँ ऐसा कुछ याद, 4 बजे चले था, मैं लगभग 7-1 बजे मैंने घर शिमला पहुंच गए थे। हाँ तो मैं शिमला पहुंचा देता था। बहुत क्रेजी थे हम, ड्राइवर भी मैं क्रेजी था उस टाइम, तो मज़ा आता है। तो फिर बस उसके बाद से फिर हमारे
जो ये जो बचकानी लव स्टोरी है वो ख़त्म हुई और मैच्योर वाली लव स्टोरी शुरू हुई जिसमें कि अब पेरेंट्स को अप्रोच करना होता है। हाँ, तो कॉलेज के टाइम तो यहाँ पे एक और बता दूँ यार, देखो अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशन में है। हमारी पता नहीं कितने कितने दिन लड़ाई होती थी। लड़की से मैं हमेशा यही सोचता था ऊपर वाले से कि यार मैं बात ना करूँ इससे, मतलब हफ्ता भर इसको तड़पाऊँ, पर कहाँ, दो घंटे में से बात ना करूँ ना, मतलब एक दिन भी बात ना करूँ, फिर दूसरे अगले दिन हाय प्रकृति आई एम सो सॉरी, इसको लड़की को मैंने इतना सॉरी बोला है पर इस लड़की ने कभी सॉरी नहीं बोला है, मैंने इसको कम से कम कितना हज़ार सॉरी, हज़ार नहीं है मतलब पूरे कॉलेज में बोलूँ, गलती भी यही करते थे, मैं कभी गलती नहीं करती। हाँ, तो अप्स एंड डाउन आते हैं, लड़ाइयाँ भी बहुत होती, इसको लड़की को मैंने कम से कम 10,000 बार सॉरी बोला होगा लाइफ में। एक एक्चुअली गलती भी यही करते थे, पर बात ये थी कि हमारे यार सोचो हम कितना टैलेंटेड बन जाते थे ना, हम बिस्तर में बैठ के ऐसी बात करते थे कि जो हमारे बगल वाला दोस्त उसको भी पता नहीं लगता हम बात क्या कर रहे हैं। बट मजा आता था यार, इतना दूर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में महीने के बाद मिलना, फिर जाके बात करना, काफ़ी ऐसा लगता था। और सोचो मैं दिन को मिलते थे और शाम को मैं फिर वापस बस में बैठ के सुबह इतना सफ़र करके कम से कम 150-200 किलोमीटर का सफ़र करके सोलन पहुंचता था, और फिर दिन को घूमते फिरते खाते पीते थे, और उसके बाद शाम को मैं बस वहाँ से लेता था तो वापस कॉलेज आता था। तो सोचो इतना हेक्टिक सब किस पे, कष्ट मुझ पर ही होता था सारा। इन लड़कियों के मजे होते, मैं कई बार गुस्से में बोलता भाई तू आ जलंधर, मुझसे ना हो पाएगा। मैं तो बोलती थी आना है, आओ नहीं आना तो आपकी मर्जी हो। मतलब मैं उस टाइप की लड़की थी कि ये मुझे बहुत ज्यादा भाव देते थे, मैं ज्यादा उतने। और ऊपर से सोलन पहुंच के नौणी भी दूर है काफी। हाँ। उसके लिए बस अलग से लो। हाँ। उस टाइम पे मैं ऐसी थी कि ये मुझ पे ज्यादा गुस्सा करते थे तो मैं फोन साइड पे रख देती थी, और मैं मतलब और इसने पता नहीं कितनी बार ब्लॉक किया होगा मेरा फोन, ब्लॉक करके रख देती थी। दो तीन दिन मुझे तो अच्छा होता था कि यार शुक्र है शांति, इनका तो फिर इनको सांस नहीं आती थी 2-3 दिन, और मुझे तो एन्जॉयमेंट होता था कि चलो थैंक गॉड रिलैक्स। पर ऐसा था कि एक कनेक्शन बन गया था उस टाइम पे, तो काफ़ी दिन तक एक दूसरे से बात किए बिना रहा भी नहीं जाता था, फिर वो एट लास्ट सब कुछ नॉर्मल वैसे ही आ जाता। फिर कॉलेज से निकल के फिर आगे की स्टोरी शुरू हुई। कॉलेज से निकल के ये मैं मतलब हमारी जो आगे की शादी की बात शुरू हुई, तो मेरे घर वाले तो बिल्कुल मना करते थे कि नहीं, क्योंकि हमारा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल तो वही इंटर कल्चर पूरी तरह। और तो हमारे बीच में कल्चरल डिफरेंस जो था बहुत ही ज़्यादा था। आप सब खुद नोटिस किया होगा कि कितना डिफरेंस है हमारे यहाँ ससुराल की मेरी लाइफ और यहाँ की मेरे मायके की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। तो हम एक्चुअली आते हैं रियल, अगर बताऊँ हिमाचल में तो ये चाहे मंडी के मेन प्रॉपर मंडी के हों, उसके नीचे हमीरपुर बिलासपुर, तो पहाड़ी में हम ही आते हैं, हमें ये भी पहाड़ी कहते हैं, समझ रहे हो। तो हमें क्या कहते हैं, अगर ये चिढ़ाना हो तो हमें पहाड़ी कहते हैं। तो कल्चरल डिफरेंस था काफी, कल्चरल था काफी। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल मना करते थे उस टाइम पे, मेरे रिलेटिव सारे मना करते थे। अगर मैं अपने घर की बात करूं, मैंने जैसे ही +2 में इसने हाँ की थी कसम से, उसके बाद मैंने अपने पापा को दिखा दी थी, मम्मी को दिखा दी थी, मम्मा बहू तेरी यही बनेगी, यही बनेगी। एक्चुअली क्या हुआ था कि स्टार्टिंग से ही, और इवन देखो ये देखो मेरे भाई की ये जो फोटो है वो मेरे भाई की शादी की है, जहाँ पे प्रकृति बैठी, इसके पापा वगैरह बैठे। नहीं, मैं बीच बीच में काफी बार इनके घर भी आती थी, तो ये जो है मुझे जबरदस्ती घर लेके जाते थे, मतलब मैं शाही किस्म की लड़की हूँ। मैंने नानू नानी से भी मिला दी थी, थैंक गॉड नानू नानी से मिला दी, क्योंकि हमारी शादी में नाना जी नहीं रहे थे, तो इसीलिए सीरियसली यार वो खुशी रहती थी। ऐसा था कि तो घर के लिए बोलते थे कि घर आओ पेरेंट्स से मिलो वगैरह वगैरह, तो मैं घर जाती थी, मुझे तो ऑकवर्ड लगता था बहुत, पर ये इंसान तो नहीं, आना ही पड़ेगा। जो कल्चरल डिफरेंस होता है ना, ये स्टार्टिंग में तो ठीक है, हमको लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, पर सच में इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं अभी की प्रेजेंटली बात करूँ तो हाँ सच में डिफ़िकल्टी आती है, तो पर मैं तो पॉजिटिव हूँ इस चीज़ के लिए कि नहीं मुझे दोनों तरफ से एडजस्ट करना, तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से नहीं, वो तो होता है, पर मैं पॉजिटिव हूँ इस बारे में कि मुझे एडजस्ट करना है। ऑब्वियसली मैं इसको कभी नेगेटिव नहीं लेती, तो इसलिए मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कि एडजस्ट करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर बाद में उनको बहुत दुख होता है इस चीज़ का। तो उनको मेरे रिलेटिव सबको पता था, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए भी हैं यहाँ पे, तो मुझे पहले से ही ये बोलते रहते थे कि नहीं तेरे लिए मत कर, ऐसा मत कर, इंटरकल्चरल बहुत मुश्किल होता है बाद में। पर मैं एक्चुअली उस टाइम पे उनको फोर्स नहीं, किसी को मैंने फोर्स नहीं किया कि हाँ मुझे करनी ही करनी है शादी, तो मैं चुपचाप से ठीक है ओके
करके देखा जाएगा। अभी अभी मैं मेरा उस टाइम पे प्लान ये था कि मुझे पढ़ाई करके जॉब करनी है, मुझे स्टैंड होना है खुद के पाँव पे, फिर सोचा जाएगा शादी के बारे में। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोच लिया था कि फिर बाद में पेरेंट्स खुद मान जाते हैं क्योंकि हमारी एज भी हो जाती है और हम काफ़ी टाइम से रिलेशन चले ना, और ऊपर से मेरी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, सब अच्छे हैं। हाँ, वैसा भी था। तो फिर काफ़ी घर वालों ने भी काफ़ी पता किया होगा कि हाँ कैसे हैं घर वाले। फिर एट लास्ट जब मैं जॉब भी करती थी तो उस टाइम पे पापा ने ही खुद बोला कि ठीक है फाइनली अगर तुझे वहीं शादी करनी है तो ठीक है, ओके हम रेडी हैं। तो फाइनली फिर बन के जमाई और क्या करना, मतलब शादी हमारी शादी से 2 या 3 साल पहले, 2 ढाई साल पहले ही वो फाइनली माने थे कि ठीक है ओके हम रेडी हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत वो अगेंस्ट थे, हमें तो नहीं, जिस टाइम हम मेरे मम्मी पापा पूछने गए थे तो उसके बाद सीधा हाँ ही हो गई थी। हाँ। तो हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत, हाँ फिर ऐसा था कि प्रिंसेस नहीं थी कहीं की जो दे दो जी अपनी लड़की दे दो जी साढ़े नहीं। हाँ ऐसा था कि उस टाइम भी मैंने भी यही कहा था इनको कि अगर आप सच में शादी करना चाहते तो अपने घर वालों को भेजिए हमारे घर में, फिर घर वालों को भी होता है ना कि आप रिश्ता लेके आए हैं तो। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि जो इसके परिवार के मैक्सिमम मतलब रिश्तेदार जो है इसके, वो मेरे रिश्तेदारों के साथ कोई क्लासमेट है, कोई मेरी मम्मा इसके बुआ के क्लासमेट हैं, और जो इसके चाचू हैं वो मेरे मामा के क्लासमेट हैं, और जो इसके नीचे दादा थे वो मेरे ताया जी के वो क्या बोले उसको कलीग हैं। तो मतलब काफी अच्छे दोस्त थी। मतलब काफी नोन वो तो खुश थे भाई, सब तो खुश थे, अरे हमारे तो दोस्त नहीं। एक बार फिर रिश्ता फाइनल हो गया फिर सब खुश थे। फिर फाइनली विद इन 2 ईयर्स हमारी शादी हो गई। तो बस फाइनली शादी हुई और फिर शादी के 1 साल बाद हमारा बेबी हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ एक बात बहुत ही सीरियस वाली बात कि यार देखो रिलेशनशिप में आप कभी भी होते हो ना, अगर आजकल जो जैसे मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि यार अब लिविंग रिलेशनशिप में रह गए, उसके बाद फिर बनी नहीं, फिर चले गए, तो अगर तुम ना एक जगह कंपेटिबल नहीं हो कि 5 साल तक तुम बड़े खुश रहे उसके बाद कंपेटिबल नहीं हो, तो फिर सोच लो तुम किसी के साथ कंपेटिबल नहीं हो सकते हो। ये तो होता है क्योंकि मेरे मुझे और प्रकृति को हो गए लगभग 13 साल भाई, 13-14 साल, और मैं सीरियसली बोलूँ मुझे अभी भी प्रकृति के साथ वैसे ही इंटरेस्ट रहता जो स्टार्टिंग में होता था ना कि यार अपने मस्त बीवी 2-4 दिन अगर दूर चलेगी ना बड़ी याद आती है मेरे को। अब तो बच्चा हो गया पर बच्चे की ज़्यादा होती है, बट वैसा ही प्यार है, वैसा ही है, वैसा कोई चेंज नहीं। वैसा थोड़ा बहुत तो होता है। एक फ़ायदा यहाँ पे बता दूँ शादी के बाद क्या हुआ, जब हमारा रिलेशनशिप था तो उस टाइम मैं पोजेसिव था, हमारे ना लड़ाइयाँ बहुत होती थी, बट अब क्या है अब हमने ना अपने आप को अंडरस्टैंड कर दिया 13 साल से। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गई है हमारे बीच की। बस कभी भी याद रखना नए रिलेशनशिप ढूंढने के चक्कर में ना अपने जो ओल्ड बनाए हुए हैं ना अच्छे, क्योंकि ओल्ड में क्या होता है अगर तुम शक्ल से प्यार करते हो तो तुम बहुत जल्दी उब जाओगे। मान लो अगर तुम आज कटरीना कैफ भी मिल गई भाई तो 10 दिन 15 दिन 50 दिन 60 दिन के बाद तुम्हारा वो प्यार खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट अगर रियल प्यार किया तुमने किसी से, तुम बूढ़े भी हो जाओगे ना तो भी वैसा ही रहेगा। और बात है सिर्फ ऐसे बोलने की नहीं होती कि प्यार करते हैं, एक्चुअली हम दोनों का रिलेशन ऐसा है कि जैसे सिबलिंग्स नहीं होते कि अब पता है कि जिंदगी भर साथ में रहना है, चाहे बना दिया उसने भाई। नहीं मैं ऐसे ही फील करती हूँ, समझना चाहिए भाई कि अब ये मेरी जिंदगी का एक पार्ट है, अब ये अच्छे से हैं या गंदे हैं या जो जैसे भी हैं पर मेरे लाइफ का पार्ट है। अब मतलब जैसे हम अपने कैसे होते हैं पेरेंट्स भाई बहन कैसे होते हैं, हमको पता है कि ये हमारे लाइफ का पार्ट है, इनके बिना हम जी भी नहीं सकते, इनके साथ ही जीना है, जैसे भी जीना है इनके साथ ही जीना, बस वैसे ही है हम दोनों का रिलेशन। मतलब मुझे पता है कि इनके साथ जीना है, ये नहीं होते तो मुझे खुद और भी खाली प्रकृति खाली ने एक बात, हाँ, और प्रकृति की बात मुझे भी यही चाहिए था यार कि घर को ना ढंग से मतलब जो संभाल सके, माँ बाप के साथ अच्छी तरह रह सके, क्योंकि आजकल तुम्हें पता है हर जगह लड़कों की भी गलती नहीं होती ना, थोड़ा औरतों पे भी डिपेंड करता है वो कैसे अपने सास के साथ रहती है, ससुर जी के साथ रहते हैं। तो प्रकृति ने ओवरऑल घर बहुत अच्छी तरह संभाल के रखा है, क्योंकि हमारे ना जॉइंट फैमिली, जॉइंट तो क्या मेरा, मैं मेरा बड़ा भाई, बड़े भाई के बच्चे, सिस्टर भी थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो और पूरी फैमिली को लगभग प्रकृति ने ऐसे बांध के रखा है, तो ठीक है ओवरऑल। वो तो मुझे पता नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, एक एक्चुअली कल्चर हमारा लोकल है ना, सब हम पहाड़ी वाले, मतलब पहाड़ी बोल नहीं, हमने खाना वैसा है, तो प्रकृति थोड़ा सा इसके साथ सब मम्मी वगैरह हिंदी में बात करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है और इसको समझ आ जाती है। हाँ, ऐसा तो शायद बोल ले अगले 10 सालों में बोल लेगी ये पहाड़ी।
ओवरऑल हाँ एक और मेरे घर वाले बहुत खुश हैं बीच में कि हाँ ऐसा होता है कि हम जब स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ ऐसा है वैसा है अच्छा है या बुरा रिलेशनशिप आपका ही होता सिर्फ मींस गर्ल और बॉय का, बट जब शादी हो जाती है ना वो सच में दो फैमिलीज को जोड़ती है। हाँ ठीक ऐसा है। और हमारी मेरे साथ मेरी एक कलीग मैम थे, वो एक्सपायर हो गए काफ़ी कुछ सालों पहले, तो वो उनकी भी लव मैरिज हुई थी, तो वो कहा करते थे कि उनकी भी काफ़ी सालों के बाद शादी हुई थी लव मैरिज में, तो वो कहते थे कि ये जो लव मैरिजेस होती है ना इनका एक ट्विस्ट होता है स्टोरी में, जो शादी से पहले जैसा होता है ना इंसान वो शादी के बाद ना कुछ और ही मिलता है। मतलब आप कुछ और सोच के बैठे होते हैं और शादी से पहले शरीफ हो आप, शरीफ हो तो उसका अपोजिट होने वाले हो, अगर आप पहले गुस्सैल हो कुछ भी हो नहीं, ऐसा भी होता है कि हम किसी इंसान को दूर से जानते हैं ना, तो वो दूर से इतना पता नहीं होता है। अब किसी के साथ रह के और मेरे गुस्सा होने का सबसे बड़ा रीजन यही था हमारा डिस्टेंस यार, मुझे ना इसी चीज का गुस्सा आता था, गुस्सा होता था मैं यार कहाँ इतनी दूर है मुझसे, तो क्यों है दूर, मेरे बिना क्यों जाती है, मेरे बिना घूम रही होगी, मेरा बिना क्यों घूमती है। इस इंसान को बस यही टेंशन होते थे कि मेरे बिना कैसे घूम रही है, उसको कहीं कुछ ये ना हो जाए वो ना, मुझे ना सीरियसली खोने का डर था। जब आपको खोने का डर होता तो आप पोसेसिव ज्यादा हो जाते हैं और फिर दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे ये थे भी बहुत बच्चे, तो हमारी शादी की जब हमने बात शुरू की थी यही मुझे बहुत पहले से ही बोलते रहते थे शादी करनी, मतलब जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ था उसी टाइम से बोलते थे, तो मैं इनको उसी टाइम से बोलते थे कि आप अभी मैच्योर नहीं हुए हो, फिर मैच्योर हो जाओ अभी आप अभी बच्चे भी नहीं हो, इट्स ओके। नहीं शादी से पहले भी हाँ मैं बोलती थी कि अभी थोड़े टाइम है आपको, अभी भी आप फुल्ली नहीं हो मैच्योर, तो ये काफ़ी इनका दिमाग बचकाना था पहले से ही, पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, अब फिर थोड़े मैच्योर हो गए मेरी कंपनी में रह के। ये हमारी आंटी है भाई, आंटी नहीं हूँ एक्चुअली, माता जी। तो बस यार इसी तरह हमारा रिलेशन हुआ, फिर शादी हुई, फिर शिवो हमारे खूबसूरत क्यूट सा बच्चा हुआ यार, अब तो लाइफ स्मूथ है, फैमिली भी ठीक है, सब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा ऐसा नहीं ऊपर वाले से कि बहुत ज्यादा चाहिए, बस ये कि सब खुश रहे, सब हेल्दी रहे, हेल्दी वेल्दी रहे, तो बस खुश रहे। हां ऊपर वाले ने मतलब बोलते ना जो होता है अच्छे के लिए, खाने की कमी नहीं दी है, पहनने की कमी नहीं दी है, घूमने की कमी नहीं दी है, तो सर्व गुण संपन्न है, थैंक्स टू हमारे पेरेंट्स, मेरा बड़े भाई और प्रकृति, मैं तो भाई मौज ही आदमी हूं। और अपना जो बायो डिटेल्स है, जो डिटेल्स हम क्या करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो ना बहुत लंबी हो चुकी है, ये वीडियो जो है ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी की है, ये इसी तरह अप्स एंड डाउन हुए और फाइनली हम एक हो गए, बट ओवरऑल यही है कि जो फाइनल में प्रोडक्ट आता है उसी पे बात होती है, तो अब हम क्या हैं, अब हम खुश हैं, अब बीच की जो रद्दी चीज़ें थी वो याद करते भी नहीं कि क्या हुआ, क्यों लड़े, क्या था, बट ये कि खूबसूरत पल अभी भी याद आते हैं और थोड़ी सी क्या बोले हंसी भी आती है। हाँ वो टाइम याद कर रहा हूँ, वो उस टाइम पे बच्चे थे ना हम। तो ऑब्वियसली अब उन बातों को याद करके तो हंसी ही आएगी। बट आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे ना काफी जल्दी उठ जाते हैं, समझ रहे हो, एक पे दूसरे पे ऐसे बोर हो जाते हैं, तो बस यही है कि अपने रिलेशन को अगर बिल्ड करना, अगर कोई छोटा देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे समझ रहे हो जो अभी प्लस टू में, प्लस में जिसको अभी प्यार हुआ है, बस सबको ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, प्लस में होता है, इवन हमारे पेरेंट्स को भी हुआ होगा, सबको ही होता है, सबको पसंद आता है कोई ना कोई, ये तो ह्यूमन नेचर है, ऊपर वाले ने दिया गिफ्ट किया है। तो बस यही है कि कोई भी चीज़ जल्दी मत सोचना कि बस अभी बस रिलेशनशिप में धीरे धीरे स्टेप बाय चलना, उससे क्या होगा तुम्हारा जो लव हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। हाँ बाकी ऐसा था कि हमारे रिलेशन में मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैं हमेशा इवन मैंने नहीं किया तो ये इंसान पोजेसिव था, बट मतलब कई होते हैं कि गिव अप कर लेते हैं कि नहीं अब ऐसा, पर मैंने टाइम दिया इनको क्योंकि मुझे पता था कि इनकी बहुत ज़्यादा इमोशंस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं इनको डंप कर लेती हूँ तो ये बहुत टूट जाएंगे, इनकी सारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, खुद को भी टाइम दिया कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो धीरे धीरे हमारा रिलेशन मैच्योर हुआ, तो उस टाइम पे पोजेसिव थे ये, बहुत गुस्सा करते थे, तो उसके अपोजिट बिल्कुल शांत थी, उसके अपोजिट एक पॉजिटिव चीज़ थी कि हम अपोजिट थे, पता क्यों, रीज़न अगर मान लो मेरी जो एनर्जी गुस्सा अगर इसमें भी होता तो सोचो दो बर्तन कितने टकराएंगे, तो मतलब मैं इधर से बहुत एनर्जी लगाता था तो उधर से इसमें बिल्कुल लो एनर्जी थी, तो वो बिल्कुल कंज्यूम हो जाती थी एक दूसरे में,
तो फिर समझ रहे हो, तो एक दूसरे में बिल्कुल घुस जाती थी वो एनर्जी, तो ज़्यादा उससे बवाल नहीं होता था। मान लो अगर इसमें भी वही एनर्जी से वही गुस्से में अगर मुझसे बात करे तो सोचो कैसे लड़ेंगे हम, दो बिल्लियाँ समझ रहे हो ना कैसे लड़ेंगी। तो बाकी ऐसा भी था कि अब पॉजिटिव, अब मेरे को ज़्यादा अब ऐसा है कि टाइम के साथ सब मैच्योर हो जाते हैं, तो हमारा रिलेशन भी ये भी मैच्योर हो गए, इनका जो इनको भी रियलाइज़ हुआ कि ये भी गलती करते थे, मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मैं भी ये गलती करती थी, तो धीरे धीरे हमने अपनी गलतियाँ इम्प्रूव की और आज हम इस स्टेज पे हैं कि ये मैं इनको बहुत गुस्सा करती हूँ कभी कभी और ये जो है मजे करते हैं। सही बात, ऐसा होता है यार, कसम से हंसी आती है अपना। अब मैं और एक्चुअली रोहम के बिना तो भाई और, अब जब मैं घर में अकेला होता ना तब मेरा गुस्सा वही बचपन वाला आ जाता है जैसा पहले आता था ना, मुझे ना शिबोहम और चाहिए अपने साथ, एनर्जी ऐसा लगता है कंट्रोल हो जाती है तब। तो बस ऐसा है अभी फिलहाल, तो हमारा रिलेशनशिप अभी भी हम लड़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार करते रहते हैं, तभी तो प्यार होगा ना यार, लड़ेंगे तभी प्यार होगा। हम बहुत लड़ाई करते हैं, मैं इनको बहुत डांटती रहती हूं, अगर कोई ये बोले शाम तक इनको डांट ही पड़ती रहती है मुझसे। अगर कोई ये बोले कि हम प्यार करते हैं और लड़ते नहीं तो वो झूठ बोल रहे हैं। हां बिल्कुल सही बात है, मजा आता है लड़ने में, इवन हम तो फाइट भी ऐसे करते थे एकदम मार, अभी भी करते हैं बहुत, जोर इसके पास बहुत है यार। और एक्चुअली ये वीडियो हमारी 18th खाने वाली थी, बट क्या करें यार, शिवोम एक्सटेंड होती गई नहीं, सब शिवोम नहीं, ये इंसान भी खुद वेरी वेरी लेजी यस। तो फिर फाइनली अब चलो वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो अभी तो पता नहीं कितने किस्से छूट गए हैं, तो अगर ज्यादा ही लगे बोलने तो 3 घंटे किसी दिन नहीं, किसी दिन लाइव आएंगे तो उस तो बीच में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस टाइम लाइव भी आएंगे हम, बहुत जल्द आएंगे, बताएंगे आपको, पहले अपडेट कर देंगे कब आएंगे लाइव। तो बस यार यही था हमारा रिलेशनशिप, बट ओवरऑल सबको जाते जाते अगर एक टिप्स देना हो आपने कि भाई अगर रिलेशनशिप ना लॉन्ग टर्म रखना, हाँ लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैं यही बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में मान लो अगर आपने 4 साल की रिलेशनशिप रखा है या 5 साल के लिए, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं, पता क्यों? क्योंकि आप उसको सोचो कितना टाइम दे रहे हैं, हमने टाइम दिया अपने रिलेशनशिप को, चाहे 10 साल दिया, बट उसके बाद हमारा एक अच्छा फ्रूट, आई मीन फ्रूट शिवम, हाँ ऐसा था कि सोच के रखा था ना कि हम शादी करनी ही करनी है चाहे जो भी है। तो यही बात, अगर मान लो 5 साल आप किसी भी रिलेशनशिप में देते हो उसके बाद नई लव स्टोरी चली है, तो सोचो ना आप 5 साल कितना वेस्ट कर रहे हो यार, बहुत टाइम वेस्ट किया मतलब। तो फ्रेंड रिलेशन को आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 10-12 साल के बाद फिर आपको ऐसा फ्रूट मिलेगा, ऐसा क्यूट सा फ्रूट मिलेगा, है ना। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, तो ये थी हमारी लव स्टोरी, तो ये थी हमारी प्यारी सी लव स्टोरी। और प्लीज यार किस किस को पसंद आई हो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना इस लव स्टोरी के बारे और में। किसी और के क्वेश्चंस हैं और जितने भी आपके लगता है दोस्त की कैसी लव स्टोरी है बीच में गड़बड़ हो रही, तो सबको शेयर कर देना ताकि उनको एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए और रिलेशनशिप में वापस आ जाए। हाँ ठीक है, तो बस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। तो बस फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।